हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुवर्स। तो कैसे हैं आप? तो आई होप आपने डार्विन के बारे में सुना होगा। डार्विन थे द फादर ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन के पिताजी थे वो। और मैंने सोचा कि पहली वीडियो है तो क्यों ना इसको पिताजी से शुरू किया जाए, तो मैंने एवोल्यूशन के पिताजी चुने, चार्ल्स डार्विन। और उनके बारे में काफ़ी सारी बातें फेमस हैं। मैं जो एक बात पर्टिकुलरली जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है उनका पैराडॉक्स, डार्विन्स पैराडॉक्स। ये डार्विन्स पैराडॉक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चित था और 200 साल लग गए इसको रिसर्च कंप्लीट करने में। और मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि डार्विन पैराडॉक्स क्या था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि डार्विन्स पैराडॉक्स था क्या। तो डार्विन ने, आपको पता है, वॉयज की थी, वॉयज का मतलब सफ़र किया था शिप वगैरह से। और उन्होंने तरह तरह की जगह पे गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और काफ़ी सारी जगहों पे गए थे। तो पैसिफिक ओशन में, स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशन में उन्होंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल बैरन है। बैरन का मतलब है बिल्कुल रेतीला सा है, सी बेड है। सी बेड होता है जो समुद्र के और नीचे जो बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। उन्होंने बोला था बिल्कुल प्लेन है, हम पर कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर कोरल रीफ्स कहाँ से आई? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। और जैसे मैंने आपको बताया 200 ईयर्स तक कंप्लीट नहीं हुआ ये। और फाइनली 2016 में नेचर कम्युनिकेशंस एक जर्नल है वहाँ पर पब्लिश किया गया। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही एवोल्यूशन की पढ़ाई की शुरुआत की थी। उनकी जो फ़ोटो थी वो 2000 से लेकर 2018 तक ब्रिटिश 10 pound नोट्स पर थी। और काफ़ी बड़ी बात है, मतलब कि साइंटिस्ट की फ़ोटो नोट्स पे है। क्योंकि हमारे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडिया में 1938 से हमारी करेंसी RBI के थ्रू शुरू हुई थी। और तब फिर हमारा नेशनल एम्बलम चलता रहा। 1992 में फिर इसे रिप्लेस कर दिया गांधी जी की फ़ोटो से और अभी तक वही चल रहा है। तो मतलब हमारा इतना नहीं होता कि जो है रहने दो, राइट। लेकिन उन्होंने डार्विन को 200 इयर्स कंप्लीट होने पे, डार्विन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए, सबसे बड़ी बात, ऐसा किया। और ये काफ़ी अच्छा मूव भी है क्योंकि इस तरह से जब साइंटिस्ट को प्रमोट करते हो, उनकी थ्योरीज को प्रमोट करते हो, तो ऐसे ऐसे करके साइंटिफिक इंटेलेक्ट बढ़ता है। उन्होंने एवोल्यूशन की स्टडी बड़ी अलग तरीके से की थी क्योंकि उनके बारे में दो चीज़ें फेमस है जो मैं बताने वाला हूँ। एक ही, उन्होंने अपनी कज़न से शादी की थी। फर्स्ट कज़न के साथ शादी करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो देखकर हैरान हो गए थे जब ऐसा हुआ। क्योंकि जो उनके 10 बच्चे हुए, ठीक है, उनमें से 3 डेड हो गए थे, मतलब 3 मर चुके थे, या तो 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में। और जो बाकी 7 बच्चे बचे थे वो सारे डिसीज रहे थे। तो डार्विन को इनसे पता लगा कि एवोल्यूशन में जेनेटिक्स का कितना बड़ा रोल है। जहाँ तक दूसरी बात है उनकी, वो था कि जिन चीज़ों पे वो रिसर्च करते थे उसको खा लेते थे। अच्छा, वो चमगादड़ या स्नेक्स नहीं खाए, वरना यहाँ पर कोरोना वायरस 1800 में ही हो क्या होता। काफ़ी वियर्ड ऐसे सुनने को, लेकिन ऐसा हुआ। तो अभी हम बात कर रहे थे डार्विन पैराडॉक्स के बारे में, जैसे कि मैंने वो बताया कोरल रीफ्स के बारे में, कोरल रीफ्स वहाँ पर कहाँ से आई। तो यहाँ पर हमारे ऊपर एक सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कोरल रीफ्स हैं क्या और बनती कैसे हैं। तो कोरल रीफ्स बहुत सारे टाइप्स की होती है। यहाँ पर मैं जो साइंस नर्ड्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं एटोल्स की बात कर रहा हूँ, जो एटोल टाइप ऑफ रीफ्स होती हैं, जो लेगून सेंट्रिक होती हैं। लेगून सेंट्रिक का मतलब बीच में जिनके होता है मेन। और तो जो कोरल रीफ्स हैं उनकी शुरुआत होती हैं, 2 लार्वा होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो जो फीमेल लार्वा होती है वो ट्रिलियंस में एग्स छोड़ देती है, और जो मेल होता है वो ट्रिलियंस में स्पर्म छोड़ देता है, और ये कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशन और उसके आसपास की कुछ और जगहों के बारे में बात आती है। तो वहाँ पर अगर वो स्पॉन होंगे भी तो मुझे नहीं लगता वो जी पाएंगे, क्योंकि लार्वा वो पीठ पर कोई भी अटैच कर लेगा, कोर नियर रॉक अटैच कर लेगा, उसके बाद वो कोरल बन जाएगा। लेकिन उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर 2 वर्ड्स ने इस पूरी थ्योरी को सॉल्व कर दिया। वो 2 वर्ड्स थे, फाइटोप्लैंकटॉन्स और IME।
इन दोनों वर्ड्स ने इस पूरी पूरी थ्योरी को सॉल्व कर लिया। उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल आप आंखों से नहीं देख सकते उनको, और वो प्लांट्स की तरह होते हैं। प्लांट्स की तरह कैसे? उनका जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो सनलाइट से लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर वो किसी और का खाना बन जाते हैं। जैसे कि हमें पता है फाइटोप्लैंक्टन्स को जो खाते हैं वो मेनली होते हैं फिशेस, या फिर जो ज़ू प्लैंक्टन्स होते हैं वो उनको खाते हैं। अब ज़ू प्लैंक्टन्स क्या है? बिल्कुल सेम माइक्रोस्कोपिक मैरीन, लेकिन साथ में ज़ू का मतलब हुआ एनिमल टाइप। ज़ू प्लैंक्टन्स जो हैं वो हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं। अब कार्निवोरस कैसे होंगे? वो किसी और ज़ू प्लैंक्टन को खा लेंगे, और ओमनिवोरस हो सकते हैं हमारी तरह, वो प्लांट्स को भी खाएंगे, यानी फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे और ज़ू प्लैंक्टन्स को खाएंगे। इनकी अपनी कैटेगरी होती है। उसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स आप भी खा सकते हैं, सच बताऊँ मैं। आप फाइटोप्लैंक्टन्स को खाओगे और आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन B12 मिलेगा आपको, ओमेगा 3 मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। उसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स काफ़ी जगह पे बड़ी बड़ी वेल्स भी खाती हैं, ट्रस्ट में बड़ी बड़ी वेल्स खाती हैं उसको, जबकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब सोचो कितनी छोटी चीज़ कैसे पेट भर लेगी। सिमिलरली कोरल लार्वा भी इन्हें खाते हैं, और कोरल लार्वा छोटे होते हैं जैसे कि आपको पता है, लेकिन तब भी उनके हिसाब से वो माइक्रोस्कोपिंग है और कोरल लार्वा को हम देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है हमें देखने में कि एक छोटी कितनी छोटी चीज़ है और एक कितनी बड़ी चीज़ है। तो हम दूसरी बात कर रहे थे, दूसरा फैक्टर क्या है, मैंने पहले आपको बताया फाइटोप्लैंक्टन है, दूसरा फैक्टर है IME आइलैंड मास इफेक्ट। मास इफेक्ट सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था सबसे पहले एक्सवेल एस डॉटी ने और उनके कोलीग्स ने, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के प्रोफेसर हैं। इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया कि जो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ रहे हैं उसे सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक फैक्टर है, वो है IME। और जो IME है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, वो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। इसीलिए जो IME है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। 91% कोरल रीफ्स का वो पार्ट है IME, और उनमें से 86% ने फाइटोप्लैंक्टन्स को अननेचुरली ज़्यादा बढ़ाया है, और इस वजह से कोरल रीफ्स बढ़ी हैं। IME जो है वो एक न्यूट्रिएंट साइकिल है, यानी कि वो न्यूट्रिशन रिप्लेनिश करती है, यानी कि न्यूट्रिशन देती है काफ़ी सारी जगहों में। और जो IME है वो इन रियलिटी काफ़ी सारे चीज़ों से मिलकर बना है। उनमें से कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे बर्ड पूप्स, ठीक है, चिड़िया जैसे समुद्र में उड़ती है तो बैरन, मैंने को बताया बैरन रीफ्स हैं, तो जो बर्ड पूप करती है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में मिलते हैं, उससे भी फाइटोप्लैंक्टन्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और मुझे पता है बहुत वियर्ड है सुनने में, लेकिन ऐसा होता है, हर छोटी छोटी चीज़ इकोसिस्टम में पार्ट लेती है, इसलिए हमें इकोसिस्टम की इतनी चिंता होती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है हमारा एग्रीकल्चर। अगर जो रीफ सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके सी बेड बिल्कुल बैलेंस है, उसके बावजूद वहाँ पर कोरल रीफ्स हैं, उसके आसपास कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से जब पानी जब रेन होती है तो पानी रन ऑफ होता है और उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो समुद्र में बह जाते हैं। और ये भी एक कारण होता है जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके अलावा तीसरा फैक्टर जो है वो है स्पॉन्जेस। सो बिल्कुल सेल के बने हैं, मतलब उनके टिश्यू सिस्टम नहीं होता, उनका कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्पॉन्जेस की तरह होते हैं वो, और वो यहाँ पर आसपास होते हैं, तो जो उनकी डेथ होती है तब उनके जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेने में काम आते हैं। उसके अलावा जब चिड़िया या कोई भी हवा में उड़ने वाला पंछी उड़ रहा है, तब भी जब उनकी डेथ होती है या मतलब समुद्र में जाते हुए डेथ हो जाती है, तो उनके ऊपर भी फिर उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होती है और उससे फिर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके अलावा जो ज़ू प्लैंक्टन्स हैं उनकी भी जब डेथ होती है तब भी वो उनके जो बॉडीज़ हैं वो डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से काफ़ी छोटी चीज़ें मिला के ये पूरा IME बनाती हैं और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम बन जाता है, क्योंकि एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। यानी कोई ना किसी ना किसी पंछी की डेथ होगी किसी भी डेड में, ऐसा तो है नहीं कि पंछी बोलेंगे यार ये तो डेड बैरन है, सी नीचे है, क्या करना है यहाँ से जाके, हम घूम के चलते हैं, ऐसे कभी नहीं होने वाला, राइट? झूठ बोल रहा है। वो जाएंगे उसी एरिया से जाएंगे, उसी वहाँ पे वापस आएंगे, तो ऑलमोस्ट हमेशा चांसेस रहते हैं कि किसी ना किसी की डेथ होगी। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो बंद नहीं होने वाली, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, तो इसलिए हो सकता है उसके आसपास और भी ज़्यादा आइलैंड्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाएँ, और इस वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा बैक्टीरियल डेथ, साइनोबैक्टीरिया की डेथ, फंजाई और एल्गी की डेथ हो के इकोसिस्टम सस्टेन रहता है। तो फिलहाल की वीडियो में
इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए आई वर्क। कितनी जल्दी बोल दी ना मैंने ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।